बस्ती में ये पैगाम है मोहब्बत तुमने हर सुआम करना है, हर सुआम करना है। लबई 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 दिया रसूल अल्लाह, लबई 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 दिया रसूल अल्लाह। ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद, ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद। उम्मत की वहदत के लिए इकदाम करना है, हमें गर दीन पे गालिब फकद। मुनक्किद इस कन्वेंशन का मकसद 20 फरवरी रोज इतवार सुबह 9 बजे रिंग रोड पर यूनिवर्सिटी ग्राउंड के अंदर अजीमुशान सुन्नी कॉन्फ्रेंस का इनका किया जा रहा है, उसकी तैयारी हमने करनी है। और उसके साथ आज हमारे जमा होने का मकसद अस्तक सादिकीन इमाम मुत्तकीन अमीर मुमिनीन हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु आपकी बारगाह में हदिया ये अकीदत भी पेश करनी है। डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आजम जलालुद्दीन देशमुख की करामत है कि जो कई कई सालों से बदकार छुपे थे और आले सुन्नत का लेबल लगाकर आले सुन्नत का माल खा रहे थे, हमारे ईमान की एक जरब से सारे दो नंबर जाहिर हो गए। मैं उस मर्दूद की मजम्मत करना चाहता हूँ जो अपने आप को कहता था इफ्तिखार रिज़वी है और हकीकत में इफ्तिखार राफिज़ी है। उसने इमाम बुखारी इमाम मुस्लिम ईसाई तिर्मिज़ी अबू दाऊद हमारे 14 सदियों के सारे मुहद्दिसीन सारे सूफिया सारे औलिया के कीते को गलत कहा। हाकिम जैसा मलून, शहबाज कमर जैसा मरदूद, और खदीबों में अली मुवैशी हो या रियाज शाह हो या इन जैसे जितने भी लोग हो, हम सब से लानी लाता लोगी करते हैं। आप सारे भी लानी लाता लोगी करते हैं। ये जितनी पार्टी है, ये जितने उलामा, सारे इन सब से लानी लाता लोगी कर रहे हैं। और क्यों कर रहे हैं? इसलिए कि हम इमाम अहमद रजा बरेलवी के गुलाम है। तालब नबीद आशिक मलहून राफजी को हुकूमत फांसी के फंदे पे लटकाए, और अगर ये राफजी इतने बेलगाम है तो आप इन्हें हमारे से पूर्ण कर दें, हमें डंडे मार मार के इन उल्लू के पट्टों को इंसान का बच्चा बना देंगे। किसी बदकार को हम ये इजाजत नहीं देंगे कि उस जात पे फौंके जिस जात ने कलमा इस्लाम पढ़ते साथ ही सब कुछ नामे नबी पे निशाबत कर दिया, जिसने सब कुछ लुटाया सरकार की जात पर, वो आसिफ रजा अलवी कमीना हो या आमिर सुल्तानी बेईमान। हम किसी को इजाजत नहीं देंगे जो सिद्दीक को फौंकेगा हम उसकी जुबान निकाल के बाहर फेंक देंगे। हसीनुद्दीन शाह का बेटा भीमुल्लाह शाह और ये सारे पीर आज क्यों नहीं बोलेगा? इनके नजदीक हजरत सैयद सिद्दीक के पर अल्लाह ताला अन्नो की बेइज्जती करने वाला चलो उसका कोई जुर्म नहीं। इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिदीन दीन व मिल्लत हजरत इमाम अहमद रजा बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा फतावा शरीफ में जो सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला की खिलाफत का भी इनकार करे मुनकिरों को भी काफिर हो सकती है। और आपकी जात तो जात रही, आपकी ज़ाबियत का इनकार करने वाला काफिर। सुलह कुल्लियत के हमारे लोग जितने भी कि जिन वाले सुन्नत के साथ बैठना तो बड़ा नागवार गुजरता है, और कहते हैं कि कभी खाजियों की बस में बैठ जाओ कभी राजियों की बस में बैठ जाओ। मैंने कहा खाजी तुम्हें नजद ले जाएंगे, राजी तुम्हें कुम ले जाएंगे, सुन्नियों के बस में बैठो जो सीधा तुम्हें मदीना शरीफ ले जाएंगे।
हमारा चूल है, कुंडलियों से भी कोई वास्ता लेना देना नहीं। हम है आला हजरत बरेलवी की फिक्र में, नबीद आशिक राफजी मलून, जिसने हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु की गुस्ताखी की और आपके साथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियों की बेअदबी की, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअदबी की, रब्बे जुल जलाल की बेअदबी की, उसको सरे आम फांसी के फंदे पर लटकाया। सऊदीया ला ईरान अल कुरान, अल कुरान ला सऊदीया ला ईरान, ला सऊदीया ला ईरान, ला सऊदीया ला ईरान। तमाम शुरका कन्वेंशन को मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातु। बड़ी खुशी हुई कि आज पत्तों की सरजमीन पर हाफिज मोहम्मद जुहैब जलाली साहब की रिहायशगाह पर 20 फरवरी को होने वाली आल पाकिस्तान सुन्नी कॉन्फ्रेंस की दावत के सिलसिला में सुन्नी कन्वेंशन का इनेकाद किया जा रहा है। बंदा नाचीज आप तमाम उलमा व मशायख को, कारकुनान को अपनी तरफ से इस तारीखी कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत देता है कि आप ये सआदत ज़रूर हासिल करें।